कॉन्ग्रेचुलेशन, 100 एपिसोड्स कंप्लीट हो गए, तो क्या कुछ हैप्पीनेस है आपको? थैंक यू सो मच यार। आज हमारे आंगन अपनों का शो जो सोनी सब पे आता है 7:30, उसके 100 एपिसोड्स पूरे हो गए। वी हैव हिट अ सेंचुरी, आई होप आउट ऑफ द पार्क। थैंक यू सो मच गाइस। आई मीन इट्स बिकॉज ऑफ योर लव ओनली दैट हम यहाँ तक पहुँच सके, और आप हमें ऐसे ही और प्यार देते रहिएगा ताकि हम 100, 200, 300 हर जगह जाए। सो जब आपने पहला एपिसोड किया तो क्या आप कुछ लगेगा कि मतलब 100 एपिसोड का आंकड़ा हम पार कर पाएंगे? बिकॉज काफी शोज ऐसे भी है कि वो आंकड़ा छूने के पहले ही बंद हो जा रहे हैं। एब्सोल्युटली, सो झूठ नहीं बोलूंगा, एक होप तो होती है। आई मीन जब आप शो साइन करते हैं तभी आपको एक होप होती है, बिकॉज आप शो की कहानी सुन के साइन करते हैं, कैरेक्टर कैसा है, पूरा कहानी कैसे है, आप सोचते हो कि मास ऑडियंस को अपील करेगा और 100 के और आगे जाएगा। बट एज आपने बहुत सही बोला कि शुरू शुरू में नहीं पता होता, तो यू नो यू ऑलवेज गिविंग योर बेस्ट, अपना बेस्ट फुट आगे रखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं ताकि शो की शो लोगों को पसंद आए, बहुत प्यार मिले उसे, और जब आपको उस प्यार की वैलिडेशन मिल जाती है लोगों से तो अच्छा लगता है। लाइक ऑन स्क्रीन की बात करें, जिस हिसाब का आपका कैरेक्टर है, तो ऑफ स्क्रीन बात करो, उसमें से क्या अडॉप्ट करना चाहोगे? आई रियली फील यार, आप कोई भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हो ऑन स्क्रीन, आपका आई थिंक कुछ ना कुछ पार्ट तो आप उसको ऑफ स्क्रीन से लेके ही आते हो, तभी वो कैरेक्टर आपका अपना बन पाता है। सो आकाश के केस में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे जो उसकी बॉन्डिंग है उसकी अपनी मॉम के साथ, वो बहुत प्यारी है। सो आई थिंक इन माई रियल लाइफ ऑल्सो आई हैड दैट काइंड ऑफ बॉन्डिंग विद माई मदर। एंड जैसे वो पल्लवी को मनाता है जब पल्लवी नाराज हो जाती है, तो शायद से मैं भी एज अ समर भी वैसे ही करता हूँ। सो या कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं समर से रिलेट कर पाता हूँ और करता हूँ जानबूझ के भी, ताकि मैं उस कैरेक्टर को आकाश को और अपना बना सकूँ। किसी फैन ने ऐसा कुछ कमेंट किया है आपको रोल को लेके? हाँ यार, मतलब द बेस्ट कमेंट पॉसिबल इज कि यार आप जो भी करते हो वो बहुत नेचुरल और ऑर्गेनिक लगता है, ऐसा लगता नहीं है कि आप एक्टिंग कर रहे हो, लगता है कि आप रियल कर रहे हो। तो हाँ, कोशिश वही रहती है, कभी कोशिश पूरी हो जाती है, कभी नहीं होती, सो बस वही। ओके, 100 एपिसोड की बात करें, उसमें से कोई मेमोरेबल एपिसोड है जो आपको अभी भी याद हो? मेमोरेबल एपिसोड, ओके, ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट एक तो डेफिनेटली वो जब मैं पल्लवी को, जो मेरी वाइफ है इस शो में, उसको फालतू में कुछ ना कुछ, यू नो देयर ऑलवेज सम काइंड ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग थैंक्स टू मी, और उसकी वजह से जब मैं उसको मनाता हूँ तो वो मुझे मेरा बहुत फेवरेट पार्ट रहता है। और अभी एक हमने सीन किया था फिल्म सिटी में, जब मैं उसको मना रहा हूँ, आई एम ऑन माई नीज, एंड वो एंड द मोस्ट मेमोरेबल इंसिडेंट, टू बी ऑनेस्ट, इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ माई शूट, एंड आई हैड अ सीन विद माई मॉम एंड माई डैड। एंड क्या होता है कि जब आप किसी हम उम्र एक्टर के साथ काम करते हैं, यू नो जो आपके ऑपोजिट लीड पेयरिंग है, वहां पे फिर भी आपका कंफर्ट बन जाता है, बट द कंफर्ट द काइंड ऑफ कंफर्ट यू हैव विद योर पेरेंट्स इन योर रियल लाइफ, वो रील में लेके आना बहुत डिफिकल्ट है। बट आई थिंक थैंक्स टू माय लवली एक्ट्रेस कशिश दुग्गल, जो मेरी मॉम प्ले कर रही है इसके अंदर, आई वाज सो कंफर्टेबल विद हर ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, दैट वो मॉम सन की बॉन्डिंग थी वो मुझे उस टाइम ही आ रही थी, लाइक समझ में आ रही थी कि हाँ यार अच्छा है। सो या माय फर्स्ट डे वाज प्रीटी मेमोरेबल, थैंक्स टू हर फॉर दैट, एंड ऑफ कोर्स माय डैड आल्सो। या ओके, बॉन्डिंग की बात करो तो किस तरह की बॉन्डिंग अब तक बन चुकी है आपकी? अरे सबसे बहुत अच्छी है यार, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी नाइस सेट टू बी ऑन, सब यहाँ पे एक परिवार की तरह रहते हैं, और वैसे भी आप जहाँ पे 14-15 घंटे हो दिन के, तो अगर एक परिवार बन जाए तो अच्छी बात है। बेस्ट पार्ट, यहाँ पे कोई ईगो क्लैशेज नहीं होते, थैंकफुली आगे भी ना हो होपफुली, एंड हाँ हर कोई अपना अपना कैरेक्टर अच्छे से प्ले कर रहा है और बस। तो ओके, बात करें मूड की, कभी कोई ऐसा सीक्वेंस आया हो जब मूड आपका मतलब घर पे जाने के बाद भी वैसा बना हो, घर वाले बोलते अरे अभी तो निकल जाओ? नहीं, ऑनेस्टली ऐसा तो नहीं रहा, बिकॉज जैसे मैंने बोला मेरे सेट पे बहुत अच्छे लोग हैं, तो कभी कोई इमोशनल सीन होता भी है तो वो सेट के जो बाकी को एक्टर्स वगैरह है वो आगे ठीक कर देते हैं। और एज ए इंडिविजुअल ऑल्सो मेरा मूड सिर्फ मेरी नींद पे डिपेंड होता है, तो अगर हाँ मेरी नींद पूरी नहीं होती तो हर कोई समझ जाता है सेट पे कि ही इज वेरी क्रैंकी टुडे, बड़ा चुप चुप है। और सो या अदरवाइज इफ आई हैव टू टॉक स्पेसिफिकली ऑफ अ सीन, सो या सो देयर वाज अ सीन अगेन विद माय मदर, वेयर आई एम रियली अपसेट विद हर। जैसे होता है ना कि आप, दैट्स द लास्ट थिंग एनी किड कैन एक्सपेक्ट, एनी सन और डॉटर, की यार उसकी माँ उस साथ ऐसा कुछ गलत करेगी, चाहे वो माँ ने भी गलती से गलत किया हो। तो हाँ, तो एक वो सीन था विच इज स्टिल वेरी क्लोज टू माई हार्ट, वेन आई एम लाइक
not angry on my mother, but kind of really upset from her. So, yeah, अगर मुझे अब तक याद है तो वो हाँ वो सीन मेरे बहुत क्लोज था. ओके लास्टली फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या कुछ जो आपको पसंद यार, कर मेरे फैंस ऑलरेडी मतलब कि मेरे क्या शो के फैंस या एडमायरर्स वेल विशर्स जो बोलना है बोल लो, वो ऑलरेडी बहुत सारे हमें मैसेजेस दे चुके हैं, इतना प्यार दे चुके हैं तभी आज हम यहाँ तक आ पाया जैसे मैंने अभी बोला. और थैंक यू गाइस, कीप गिविंग अस लव. आई नो इट रियली मींस अ लॉट कि इंस्टा पे जाके उनपे एक डीएम छोड़ना वो बहुत एफर्ट लगता है, मेरे से नहीं हो पाता, बट अगर आप लोग कर रहे हो तो थैंक यू सो मच. और आई प्रोमिस यू फ्रॉम द होल सेट ऑफ आंगन अपनों का कि हम इतनी ही मेहनत और शिद्दत से काम करते रहेंगे ताकि आप लोगों को एंटरटेन कर सके. थैंक यू गाइस. हाय गाइस, आई एम समा वर्मानी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन सिने स्पीक्स. कीप वॉचिंग. थैंक यू.